नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुड़ा के निर्देशानुसार लगातार ऑनलाइन सट्टे के कारोबार पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जबलपुर स्थित मदर टेरेसा नगर माड़ोताल में सट्टे में खाईबाजी करने वाले सटोरिया राहुल साहू को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया है। वहीं राहुल के दो साथी जो सट्टा लिख रहे थे मौके से भागने में सफल रहे। इसके बाद पुलिस ने राहुल के एक साथी संजय सिंह ठाकुर को बमनौदा पनागर से गिरफ्तार किया है, जहां संजय सिंह भी राहुल साहू के लिए काम करता है। पुलिस ने दोनों सटोरियों को गिरफ्तार कर करीब 1,61,430 रुपए नगद व 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया गया है कि राहुल साहू अपने मदर टेरेसा नगर स्थित घर से लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा का कारोबार कर रहा था। वहीं उसके दो साथी सट्टे का हिसाब किताब लिखते रहे। आज भी राहुल साहू अपने दोनों साथी हर्ष साहू एवं पवन वंशकार के साथ सट्टा में खाईबाजी कर रहा था। खबर मिलते ही माड़ोताल पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर दबिश दे दी। पुलिस को देखते ही हर्ष साहू व पवन वंशकार भागने में सफल रहे। वहीं राहुल साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राहुल के कब्जे से 1,61,430 रुपए नगद व 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने बमनौदा पनागर में दबिश देकर संजय सिंह ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया। माड़ोताल थाना प्रभारी रीना पांडे ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबारी को पकड़ा गया है, जिससे उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। आज जरिए मुफीद सूचना मिली कि ये यहाँ पे मदर टेरेसा शहीद विक्रम स्कूल के पास एक व्यक्ति जो है वो मोबाइल से सट्टे का दाव लगा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा क्राइम ब्रांच और थाने की टीम बनाई गई और तत्संबंध को वेरीफाई करने के लिए भेजा गया, जहाँ पे ये राहुल साहू पिता गीतेश्वर प्रसाद साहू 34 वर्ष का ये पनागर निवासी है। इसका घर यहाँ मदर टेरेसा में भी है। वहाँ पे ये सट्टा खेल रहा था। इसके साथ दो लोग और थे, हर्ष साहू और पवन वंशकार। ये पुलिस को देखकर भाग गए। इनके पास से 6 मोबाइल मिले हुए हैं और 1,56,330 रुपये जब्त किए गए हैं और प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।